नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। खबर नालंदा जिले से है। चंडी थाना इलाके के भासिन बिघा गांव के समीप अज्ञात बिलोरो ने एक 6 वर्षीय मासूम को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। बच्ची की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग 31 को घंटों जाम कर दिया, जिसके कारण पटना रांची मार्ग पर चलने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही मौके पर चंडी थाना पुलिस पहुंची और परिजनों को उचित मुआवजा दिलाए जाने के आश्वासन के बाद जाम को हटाया गया। बताया जाता है कि राजेश राम की 6 वर्षीय पुत्री मोना कुमारी सड़क क्रॉस कर रही थी, उसी समय विपरीत दिशा से तेज रफ्तार से आ रही बेलोरो ने उसे रौंद दिया, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। सड़क पर एगो बोलेरो वाला राजेश राम के बच्ची के अगला पिछला चक्का चढ़ा के पार हो गया। क्या हुआ? बस्ती है? स्पॉट डेट हो गया। स्पॉट हो गया। अभी क्या हो रहा है? अभी रोड जाम है। कहाँ पर? भासिन बिघा। क्या नाम है आपका? हरेंद्र कुमार। वहीं दूसरी घटना भी चंडी थाने इलाके का है, जहां 4 लाइन पर बाइक और स्कूटी की सीधी टक्कर में पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बताया जाता है कि स्कूटी बिहार शरीफ से पटना की ओर जा रही थी और बाइक पटना से बिहार शरीफ की ओर आ रही थी, इसी दौरान दोनों की सीधी टक्कर हो गई, जिससे यह हादसा हो गया। दुर्घटना के बाद इस इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने तुरंत एम्बुलेंस मंगवाया और महिला और उसके पति को बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेजा, जहां रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। दोनों पति पत्नी सिलाव थाना इलाके के नालंदा गांव के बताए जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूटी चालक शराब के नशे में धुत था, जिससे दुर्घटना हुई है।